हेलो फ्रेंड्स एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस एसिसिसि फॉर फिफ्थ मार्च 2021 थाउजेंड मार्च 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक मिल जाएगी इसके साथ ही जो हमारा इस बार के अप्रिल्स टू के लिए यूपीएससी करंट रिविजन सीरीज चल रही है उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड साथ ही सी कोर्स जो हमने कंप्लीट किया है उसकी लिंक भी आप नीचे दी है तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ जिनके आंसर्स आपको करने हैं पहला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हिमालयन सेरो हिमालयन सेरो के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है पहला स्टेटमेंट कह रहा है दे आर जनरली फाउंड एट एन एल्टीट्यूड विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ फाइव थाउजेंड मीटर अब सी लेवल दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज कैटराइज एज वन अंडर आयु रेड लिस्ट एंड लिस्टेड अंडर द शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें इस से सही है वन ओनली टू ओनली बोथ या नन

अगला है आर्कटिका एम समटाइम्स सीन इन न्यूज रिसेंटली रिफर्स टू आर्कटिका एम क्या है इनमें से ऑप्शन आर इंटर कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बेलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाई ईरान वर्ल्ड फर्स्ट मिशन लॉन्च बाय नासा टू स्टडी ब्लैक होल्स रशिया स्पेस सैटेलाइट टू मॉनिटर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट ऑफ द आर्कटिक रीजन या इंडिया सैटेलाइट डिप्लॉयड इन द स्पेस टू मॉनिटर द इंडियन ओशियन रीजन तो आपको बताने का आर्कटिका एम क्या है इनमें से थ्री क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो मैप ऑफ द डे में आते हैं आज जो हम देखेंगे वो आईलैंड ऑफ द इंडियन ओशियन तो मैंने आपको अटलांटिक के बता दिए मैंने आपको पैसिफिक के बता दिए कल मैंने माइक्रोनेशिया पोलिनेशिया मलनेशिया सारा पार्ट बताया था ठीक है ना तो आज हम देख लेते हैं थोड़ा इंडियन ओशन के भी कुछ जो इम्पोर्टेंट आईलैंड है वो वाले तो यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन के आसपास जो इम्पोर्टेंट है आईलैंड जैसे भी सीशल्स हो गया एक हो गया सीशल्स हो गया आपका देन आपका मालदीव्स हो गया मालदीव्स भी एक आइलैंड ग्रुप है वहां पे ठीक है ना याद रखेगा एजम्पन आइलैंड तो ये नॉर्थ टू तो साउथ जिनका जिनका पॉसिबल है ना उनका ऑर्डर देख लो जैसे सीशल्स सबसे ऊपर इधर साइड आपको दिख रहा है सीशल्स इधर ऊपर दिख रहा है उसके नीचे एजम्शन आईलैंड दिख रहा है देन अगलेगा आईलैंड एंड देन यहाँ पे मेडेगास्कर देखो दिख रहा है और उसके नीचे यहाँ पे मॉरिशियस दिख रहा है क्या 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 दिख रहा है सिशल्स दिख रहा है फिर एजम्पन आइलैंड दिख रहा है फिर अगालेगा आइलैंड दिख रहा है फिर इधर मैडागैसकर दिख रहा है देन उधर मॉरिशियस दिख रहा है ठीक है ना

आगा लेगा उससे नीचे मॉरिशियस सबसे नीचे इधर साइड से अगर आप देखो तो मेलडीव ऊपर आपको दिख रहा है डियागो गार्सिया दिख रहा है और अगलेगा आइलैंड दिख रहा है मॉरिशियस दिख रहा है ठीक है ना तो इंडियन ओशियन रीजन की कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है मैं मैंने भी सिर्फ इंडिया के पास वाले बताए आपको जिनके साथ इंडिया ने डील करने की कोशिश किया या वहां पर डील किया या क्या किया है तो ये एक बार आप ऑर्डर देख लीजिए है ना इनमें से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कम आप से कम कंप्लीट कर पाए अगर आपसे पूछ ले कि एजमशन आइलैंड कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए को इंडियन ओशियन वाले रीजन में है एटलांटिक मत कर देना उसको अगलेगा आइलैंड का अगर लोकेशन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि वो इंडियन ओशन में है ना कि पैसिफिक में या किसी और में तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस ठीक है ना आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप एज वेल आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ तो पहली जो न्यूज है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है पहली वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग ठीक है ना द फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग रिलीज बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था हियरिंग डे वर्ल्ड हियरिंग डे वॉज ऑब्जर्व ऑन थर्ड ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया हाईलाइट किया है दैट वन इन एवरी फोर इंडिविजुअल अक्रॉस द वर्ल्ड विल बी एक्सपीरियंसिंग माइल्ड टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस बाय ट्वेंटी फिफ्टी दो हजार पचास

2023 को डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये भी याद रखेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह किया है द रेजोल्यूशन वॉज डिक्लेयर बाय वॉज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया एंड द रेजोल्यूशन वॉज बाय कंसेंसस एज एंड सपोर्ट ऑफ ओवर 70 193, तो नेशन आउट ऑफ वन तो लगभग सत्तर से ज्यादा नेशंस ने सपोर्ट भी किया काफी ज्यादा ने तो नहीं किया और ज्यादा करना चाहिए था वन में तो तो ये भी आपको याद रखना है अगली जो न्यूज है वो है प्लेटफॉर्म्स विल नॉट हैव टू रजिस्टर सेंटर अब देखो कुछ प्लेटफॉर्म्स के डाउट थे जिनको क्लियर करने के लिए यहाँ पे सेंटर uh, ने uh, कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं आप सबको पता है ओटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अब रेगुलेशन आ गया three -tier का regulation है थ्री टीयर का रेगुलेशन है थ्री टीयर का रेगुलेशन में टीयर वन क्या है इट्स अ ग्रीवेंस सेल एक ग्रीवेंस सेल है जो कि प्लेटफॉर्म्स खुद बनवाएंगे टीयर टू में सेल्फ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ दर्ट OTT platforms will be there. A self regulatory body of OTT platforms will be there.

एक एक और ये इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना दिमाग में बैठा लेना की ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पांच एज बेस्ड कैटेगरीज में करना है फाइव एज बेस्ड कैटेगरीज थर्टीन प्लस यू ए सिक्सटीन प्लस एंड यू, ए यू, ए यू ए एडल्ट याद रखेगा यू यूनिवर्सल यू ए सेवन प्लस थर्टीन प्लस सिक्सटीन प्लस एडल्ट अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि थर्टीन प्लस एंड सिक्सटीन प्लस में क्या डिफरेंस होगा एटीन से नीचे में तो थोड़ा सा तो ये भी काफी वेग है लेकिन हाँ पांच एज बेस्ड क्राइटेरियाज में डिवाइड करना है एंड प्लेटफॉर्म टू इंप्लीमेंट लॉक फॉर कंटेंट क्लासीफाइड एज यू एर्टीन प्लस और हायर तो पेरेंटल लॉक रहेगा फॉर द कंटेंट यू ए प्लस और हायर एंड रिलायबल एज वेरीफिकेशन मैकेनिज्म फॉर कंटेंट क्लासिफाइड एज ए तो एक आपको रिलायबल एज वेरीफिकेशन मैकेनिज्म भी लेना पड़ेगा फॉर कंटेंट क्लासिफाइड एज ए तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इस बार ओ टी प्लेटफॉर्म्स को करनी पड़ेंगी थ्री टीयर का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ग्रेवेंस सेल एट द टीयर वन देन एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द ओ टी टी प्लेटफॉर्म एंड देन एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल अगर पहले दो प्लेटफॉर्म से ये बात नहीं बनती है तो अब यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में उन्होंने ये कि जो सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट है इस बार उसको प्रीफरेंस दिया गया है देन सेंसरशिप तो प्रकाश जावड़ेकर जी का कहना था कि हमने तो भैया सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट की बात की है सेंसरशिप हम नहीं कर रहे हैं ना

इसको याद रखिएगा क्यू एस रैंकिंग में आया है इस बार कौन आ गया आई एस सी आ गया ठीक है ना तो दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर अब यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी क्यू एस क्या करता है क्यू एस uh, के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली जाती है क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग उसको हम बोलते हैं ठीक है ना तो इसमें जो आपका uh, रैंकिंग है वो किस तरीके से देख लेते हैं uh, विद रिगार्ड टू सब्जेक्ट रैकिंग देर टू न्यू एंट्रेंस इन दॉप हंड्रेड सब्जेक्ट रैंकिंग में दो नए एंट्रेंस है टॉप हंड्रेड में जैसे कि इसमें है जेएनयू का एंथ्रोपोलॉजी प्रोग्राम है जेएनयू का एंथ्रोपोलॉजी प्रोग्राम है वो आता है एंड ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का लॉ प्रोग्राम है तो ओपी जिंदल ग्लो, ग्लो, ग्लोबल यूनिवर्सिटी का लॉ प्रोग्राम एंड जेएनयू का एंथ्रोपोलॉजी प्रोग्राम टॉप हंड्रेड में सब्जेक्ट वाली कैटेगरी में आए हैं ब्रॉड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में ओनली थ्री इंस्टीट्यूट मेड इट टू टॉप हंड्रेड पिछले साल पांच थे इस बार केवल तीन है टॉप हंड्रेड में आई बॉम्बे आई आई टी एंड आई मद्रास पिछली बार पांच थे आई टी खड़गपुर और कानपुर भी था लेकिन वो खड़गपुर कानपुर बाहर हो गए हैं इसके अलावा और भी कुछ चीजें जो in रैंक है वो दस घट गई है तीन सौ के अंदर लेकिन दस घट गई है ठीक है ना और अगर आप देखो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड की जो फर्स्ट है वो एम आई टी मैसेच्यूसिट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी यूएस का है स्टैनफोर्ड यू रैंक टू पर आता है कैम्ब्रिज रैंक थ्री पे आता है ठीक है ना आई आई टी फोर्टी नाइन पे आई आई टी डेली फिफ्टी फोर्थ पर हैवर्ड यूएस नंबर थर्ड अगेन एंड आई एस सी बैंगलोर जो अपना है वो नाइनटी सेकेंड रैंक पर है आई आई टी आई एस सी बैंगलोर नाइन्टी सेकेंड रैंक पर है तो दैट इज अ थिंग रिमेंबर अगेन रैंकिंग आगे मूव करते हैं हैं देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है तो यू कैन मूव विद मी आप भी मेरे साथ यहाँ आगे बढ़ सकते हैं अब हम आएंगे एडिटोरियल सेक्शन पे एडिटोरियल में जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे पहला वो है नॉट सो स्विस्टेलर इन प्रोटेक्टिंग द पर्सनल लिबर्टी अब यहां पर सबसे पहले तीन केसेस के बारे में ऑथर ने बताया जिसमें से दो केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाया है मतलब डेली हाई कोर्ट है जो भी है मतलब कोर्ट जुडिशरी की हम बात कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा उन्होंने प्रोटेक्शन किया जैसे कि प्रिया रामानी का केस था डिफेमेशन का प्रिया रामानी का केस था डिफेमेशन का है ना और दूसरा चल रहा था किसका केस दिशा रावी का दिशा रावी को बेल दी गई और प्रिया रामानी को भी मतलब एक्विट किया गया इन द डिफेमेशन केस

वो जब भी चाहे जहां पर भी चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे चाहे वहां पर उसको अपने ग्रीवेंस के बारे में बता सकती है सेकेंड ये है द ग्रांट ऑफ बेल टू दिशा रावी अब दिशा रावी को बेल दिया गया उसमें भी उन्होंने ये कहा, शी वाज एलेजली क्राइम क्या था टू हेल्पिंग एडिटिंग एंड शेयरिंग अ टूल किट दैट मेंट टू लैंड सपोर्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट न्यू फार्म फार्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए टूल किट को उसने एडिट किया था और उसने शेयर किया था ऐसा उसके ऊपर आरोप लगा था लेकिन आ, इनको भी जब बेल देते देते समय उन्होंने ये कहा कोर्ट ने यह कहा कि देर वॉज नो एविडेंस लिंकिंग लिंकिंगी टू एन एक्ट ऑफ वायलेंस Plus it found that the toolkit to प्लस इट फाउंड दट द टूल एंड दस ऑफ द डेली पुलिस इनिंग हर लिबर्टी based on uh, propitious anticipations मतलब anticipate करके उसको arrest कर लिया गया और उसका जो link था violence के साथ तो कोई भी link नहीं establish हो पाया अब अखर ने कहा यह तो चलो ठीक है लेकिन वहीं पे एक और केस है जिसमें कि तांडव के केस में blasphemy के केस में उनको bail uh, anticipatory bail नहीं दी जा रही और उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसे केस में तो arrest होना ही चाहिए ठीक है This is what the court uh, is saying. ठीक है ना तो यहां पे अब ऑथर ने कुछ क्लेरिफाई किया जैसे कि उन्होंने ये कहा है कि अब ये जो केसेस की हम बात करें चाहे वो ब्लासफेमी का लॉ हो चाहे वो डिफेमेशन का लॉ हो चाहे वो सिडिशन सिडिशन का लॉ हो सिडिशन ये सारे लॉ जो है ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जरूर इसको अपहेल्ड किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट लेकिन ये तीनों के तीनों जो है कोलोनियल uh, कोलोनियल रिजीम के टाइम के हैं एंड कहीं ना कहीं इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देना चाहिए ठीक है ना क्योंकि डिफेमेशन जो है वो चिलिंग इफेक्ट रखता है ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच कई लोग अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक लेते हैं कोई सही चीज अगर बताना चाहता भी भी हो तो भी नहीं बता पा रहा uh, है, कि तो है इंडिया में डिफेमेशन जो है वो सिविल रॉन्ग भी है एंड क्रिमिनल रॉन्ग भी है तो जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है आपको पनिशमेंट होती है जेल होती है कोई भी व्यक्ति क्यों ऐसा करना चाहेगा ठीक है ना दूसरी चीज सिडिशन का केस अगर देखें तो वो भी कॉलोनियल कोनो, रेमेंट रखते हैं ठीक है ना और मैकले का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था आईपीसी का उसमें तो ये नहीं इंक्लूडेड था ओरिजिनल ड्राफ्ट में इंक्लूडेड नहीं था लेकिन बाद में इसको इंक्लूड किया गया और इसका एम यही था कि जो भी डिसेंट हो रहा है जो भी नेशनल मूवमेंट चल रहा है उस समय उसको रोकना उसको रोकना वॉज द मेन एम ऑफ इंक्लूडिंग दिटिशन तो ऑथर ने वही कहा कि कोई ऐसा लॉ जो कॉलोनियल टाइम में इसलिए लाया गया था कि हमारे यहाँ के जो नेशनलिस्ट हैं उनकी आवाज को दबाया जा सके तो उस लॉ को हम क्यों आगे बढ़ा रहे हैं ठीक है ना दैट इज द थिंग विच द ऑथर सेज इज रॉन्ग ठीक है ना और यहां पर वही वाली बात है कि सिडिशन में गवर्नमेंट कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि जब तक वो वॉयलेंस नहीं कर देता ला देता है या बिल्कुल ऐसा तब तक उसको उसको सिडिशन नहीं माना जाएगा लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में सिडिशन लॉ सबसे ज्यादा मिसयूज्ड लॉ है सेक्शन 124 ए जो है वो सबसे मिसयूज लॉ है नाइनटीन में सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट ये कहा था कि सिडिशन एक्शन हैज द टेंडेंसी टू डिसरप्ट पब्लिक ऑर्डर तो जब तो तक ये डिसरप्ट नहीं करता है पब्लिक ऑर्डर को दैट इज प्रोसिक्यूटेबल तब तक उसको सिडिशन जाएगा लेकिन फिर भी ये, ये कोई उसके तरह काम नहीं करता है फिर इंडिया में ब्लास्फेमी का जो लॉ है वो सेक्शन 153 ए है याद रखेगा सेक्शन 153 ए इज इंडिया ब्लास्फेमी लॉ विच डील्स विद स्पीच दैट सीक्स टू प्रमोट एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज ठीक है ना सेक्शन 153 ए क्या है इट डील्स विद द स्पीच दैट डिफरेंट कम्युनिटीज एंड सेक्शन 295 ए जो uh, colonial तो क्रिमिनलाइज करता है स्पीच दैट रेजेज द रिलीजियस फीलिंग एंड 153 ए जो कि डील्स विद द स्पीच दैट सीक्स टू प्रमोट एनमिटी बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज द

तो आप ब्लैसफेमी लॉ के अंदर आ जाएंगे अब भाई किसी भी व्यक्ति के पर रिलीजियस बिलीफ तो किसी भी चीज से मतलब कि डे उसमें हो सकते हैं है ना तो क्या हर वो केस में आप ब्लास्फेमी का लॉ लगा करके उस व्यक्ति को अंदर करोगे क्या तो ये वाला जो क्वेश्चन है ऑथर नहीं उठाया है कि किसी के बिलीव तो हो सकता है किसी मैं कोई चीज बोलूं अपने रिलीजन से लेकर और आपका रिलीजियस बिलीफ हर्ट हो जाए उस चीज से तो इसमें मेरी क्या गलती है है ना? है 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 ना ना तो ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज जो भी ऑथर ने बताई अब ऑथर ने कहा कि जब अर्णा गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस आया था तब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एकदम से एक भी दिन अंदर नहीं रहने दिया और कह दिया कि अवर कोर्ट मस्ट इंश्योर दैट दे कंटिन्यू टू रिमेन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी ऑफ द सिटीजन मतलब कि सिटीजन की लिबर्टी अगर जा रही है, तो कोर्ट शुड एक्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना वहीं पे जब इस तरीके से कि नहीं, नहीं। आपको तो एक नहीं जब ये कहा कि मैंने भैया मैंने क्या गलती तो सिर्फ एक्टिंग की थी जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसको एक्ट किया था कोर्ट तो, तो ने कहा यू नॉट प्ले द रोल ऑफ अ कैरेक्टर विच सेंटीमेंट्स ऑफ अदर्स वहीं पर अर्णव गोस्वामी जिनके ऊपर मर्डर का केस है। है ना तो उसको आपने छोड़ दिया तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट ऑथर ने यही कहा है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं रहना चाहिए और लिबर्टी शुड बी द पैरामाउंट थिंग अगला जो आर्टिकल है वो है क्लियरिंग द लो बार अब यहां पर ऑथर ने स्पेक्ट्रम ऑप्शन की बात की है कि स्पेक्ट्रम ऑप्शन में हो क्या रहा है कि कई बिडर्स जो है वो कई फ्रिक्वेंसीज पे बिल्कुल ऑक्शन ही नहीं कर पा रहे इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि अन जो प्राइस है काफ़ी ज्यादा रिजर्व प्राइस प्रोहिबिटिव रिजर्व प्राइस बोला जा रहा है तो सबसे अगर आपसे कभी इशू लिखने के लिए आया ना स्पेक्ट्रम ऑप्शन के इशूज़ क्या क्या है तो इसको रिजर्व प्राइस जो है ना गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रखती है तो बहुत ज्यादा जब आप रिजर्व प्राइस रखोगे तो लोग बिडिंग क्यों करेंगे उस चीज पर उस वो बहुत ज़्यादा सबके लिए ईजिली एक्सेसिबल नहीं रहेगा और इस कारण हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग आ नहीं पा रहे हैं और ऐसे में डुओपोली बनती जा रही है दूसरा इशू जो है वो डुओपोली बन रही है भारती मित्तल और जियो ग्रुप आ जाता है वही जितने कर लेता है उसको मिल जाते हैं तो ऑक्शनिंग में जो है ये इसमें बहुत कम प्लेयर्स रह पा रहे हैं एक ओपन कॉम्पिटिशन फ्री एंड लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है, है ना?

को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए बिल्कुल ऐसे रिजर्व प्राइस आपको नहीं रखनी चाहिए एंड ड्यूपोली होने से प्रिवेंट करना चाहिए तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है अगला मूव करते हैं आर्टिकल की तरफ एंडिंग द वॉर इन यमन अब यमन आप सबको पता है मैंने कई बार पहले ही बताया कि जैसे अगर ये जैसी इस तरीके से सऊदी अरेबिया का मैप अगर है मान लो सऊदी अरेबिया तो यहां पे सऊदी अरेबिया है ये यमन है ठीक है ये है आपका यमन ठीक है ना सऊदी अरेबिया ये है तो सऊदी अरेबिया टच करता है बॉर्डर बनता है यमन के साथ यमन जस उसके नीचे है और सऊदी और यमन के बीच में लड़ाई भी चल रही है अब ये जो लड़ाई चल रही है कितना सिंपल नहीं है सिर्फ सऊदी और यमन नहीं है वर्ल्ड इनमें बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व जैसे ईरान जो है वो यमन की मदद करता है यमन के हाउदी रेबल्स की मदद करता है ईरान है ना इस कारण से फिर दूसरी कंट्रीज भी यू भी हो गई वो भी इनके साथ अगेंस्ट में रहती है वो भी चाहते हैं कि जो ईरान है वो बाहर आ जाए है ना दैट इज अ थिंग विच इज इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे ऑथर ने बोला कि ये यमन का जो वॉर है इतने छः सालों से सिक्स ईयर वॉर हो गया लगभग छह साल हो चुके हैं और इसको आप खत्म करने की जरूरत है और इसमें आपको रिहेबिलिटेशन दोबारा से रिबिल्डिंग ऑफ यमन करने की जरूरत है आप उसको पैसे दो आप उसको बनाने में मदद करो और यूएसए ने जैसे इसमें कुछ स्टेप्स लिए हैं हाउदी रेवल्स जो है उनको उन्होंने टेरिस संज्ञा से बाहर किया है है ना वहाँ से लिस्ट से हटा दिया है तो दैट इज अ गुड स्टेप फॉरवर्ड लेकिन अब उनके रिबिल्डिंग के लिए आपको एफर्ट्स लेने

यहाँ पे भी देख लेते हैं हाई कोर्ट की वैकेंसी यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट एलिजेंस ये भी हमको नहीं देखना है तापसी पन्नू ने क्या किया ये हमको नहीं जानना है ना यहाँ देखना है बेंगलुरु शिमला मोस्ट लिवेबल सिटीज अब बेंगलुरु जो है वो ओवर वन मिलियन पॉपुलेशन में मोस्ट लिवेबल सिटीज है सिटीज में 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 आती है और जो है वो बिलो में में आती है 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 एंड शिमला जो वो बिलो मिलियन पॉपुलेशन लिवेबल सिटी ठीक ना तो बेंगलुरु इज एट द टॉप फॉलोड बाय पुणे देन अहमदाबाद देन देन चेन्नई सूरत देन नवी मुंबई देन कोयम्बटूर देन वडोदरा देन इंदौर एंड देन ग्रेटर मुंबई दे आर द कैटेगरीज ऑफ सिटी विद ओवर वन मिलियन पॉपुलेशन बेंगलुरु टॉप पे है पुणे सेकेंड रैंक पर आती है देन इन सिटीज लेस देन वन मिलियन पॉपुलेशन में शिमला है द लिस्ट फॉलोड बाय भुवनेश्वर सिलवासा काकीनाडा सालेम वेल्लूर एंड गांधीनगर ठीक है ना

शन फॉलोड बाय सूरत एंड देन बाय भोपाल ठीक है ना ठीक है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड द न्यू डेली म्यूनिस्पल काउंसिल वाज द बेस्ट अमंग द सिविक बॉडीज विद अंडर अ मिलियन पॉपुलेशन फॉलोड बाय तिरुपति एंड गांधीनगर ठीक है ना तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी थिंक इज इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स याद रखेगा इंडिया वॉन्ट चाबहार पोर्ट ऑन की कॉरिडोर अब इंडिया चाहता है कि चाबहार पोर्ट को इंक्लूड कर दिया जाए इन द दर्टीन नेशन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर याद रखेगा इंटर नेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर इंडिया चाहता है कि इंक्लूड कर दिया जाए किसको चाबहार चाबहार कर को तो याद रखेगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ठीक है ना तो ये आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर अगर तेरह कंट्रीज हैं और चाहता है क्या इंडिया इंडिया ये चाहता है कि जो uh, आपका अफगानिस्तान है उज्बेकिस्तान है उन कंट्रीज को इंक्लूड कर दिया जाए और साथ ही साथ जो यहाँ पे आपका uh, चाबहार पोर्ट है उसको भी इंक्लूड कर दिया जाए ठीक है ना तो एस जयशंकर जी ने यह सारी चीजें की है, है ना और इंडिया अलॉन्ग विथ ट्वेल्व कंट्रीज पार्टनिंग विद पार्टनरिंग

दैट इज़ अ थिंग जो कि important है और यहाँ पर उन्होंने कहा कि चाबहार पोर्ट को भी इंक्लूड किया जाए इन द आई एन जो कि इंडिया से रशिया तक जाएगा ठीक है ना आई जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा इंडिया से रशिया तक जाएगा और उसमें वो चाहते हैं कि एक तो उज्बेकिस्तान आ जाए और अफगानिस्तान आ जाए देन उन्होंने ये भी कहा कि आ, आपका चाबहार पोर्ट को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए ठीक है ना अभी आई एन एस टी सी जो है इट गोज द बंदर अब्बास अभी ईरान के बंदर अब्बास से जाता है

तो ऐसी कोई न्यूज़ आइटम नहीं है दैट इज़ इट फॉर द डे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे